नमस्कार दोस्तों, तो अब जो आप देख रहे हैं ये है सत्यासा यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज, जो कि हमें कहा गया था कि आने वाला है, और अभी ये कॉलेज बिल्कुल भी तैयार नहीं है मेरे हिसाब से। और अंदर मैम ने मुझे बताया कि अभी इसका इंस्पेक्शन होना भी बाकी है, और खैर अभी आपको नज़र आएगा तो आपको पता चली जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही चलती यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए वो बसेस खड़ी हैं। और देखिए, ये आर के डी एफ ग्रुप का ही है, जिसका रामाकृष्णा भी है, और अभी तीसरा कॉलेज वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। एंड वंस अगेन, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जब से NMC ने वो रूल चेंज कर दिया और ये कह दिया कि भाई जिसका पहले चलता कॉलेज है वो बिना 3 साल रनिंग हॉस्पिटल के कॉलेज खोल सकता है, उस वजह से ऐसे कॉलेज आने लगे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप, थोड़ी जो बिल्डिंग जगह बहुत है इनके पास में, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि स्कूल एग्रीकल्चर चलता है तो काफ़ी कृषि वाला माहौल आपको नज़र आएगा। ये लेफ्ट में स्कूल ऑफ नर्सिंग है, एक बार दो फिर से राइट पे लेना यार, जहाँ हम अस्पताल तक गए थे अस्पताल तक जाना एक बार। हेलो हेलो हेलो, मैं आपको ना इसका अस्पताल दिखाता हूँ, फिलहाल अस्पताल की क्या पोजीशन है। और देखिए, आप इसे कई लोग सोचते हैं कि हमें कमीशनें मिलती हैं, हम इसलिए आते हैं, तो पर्पज़ मेरा ये रहता है कि जब भी कोई नया कॉलेज खुलता है और मेरे को समय है तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए आता हूँ कि अगर आप लोग खुद नहीं सारे आ सकते तो आपके बिहाफ पे मैं आके आपको ये जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है या कॉलेज है जो बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पुराना कॉलेज है, चलता हुआ कॉलेज है, यहाँ मैडम्स आ रही हैं जा रही हैं, और पीछे की तरफ हमने भी अस्पताल देखा था जहाँ हम शायद दोबारा पहुँचेंगे अभी, और अस्पताल को देख के आइडिया लगाएंगे कि क्या NMC को इस कॉलेज को परमिशन देनी चाहिए इस साल, और अगर परमिशन के लायक नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से बैच लॉन्च भी नहीं होगा। हाँ, तो मैं कहता आने का पर्पज़ ये है कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि एक अकेला इंसान या अकेली कंपनी तो हर जगह पहुँच सकती, और ये मुझे दुख होता है कि हमारे कई जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं या उन्हें कंपटीटर कह लीजिए, उनके ऑलरेडी SMS आने लगे हैं और वो सीट की भाई कहता पैसे की बात कर रहे हैं, बुकिंग की बात कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं बच्चों को, जबकि सच्चाई की बात ये है कि अभी तो NMC की परमिशन भी ड्यू है और फिलहाल आप देख रहे हैं कॉलेज बन रहा है, और जो जगह से सामने देखिए स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की बिल्डिंग अभी आएगी जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने देखिए आप, ये अभी तो यहाँ पर सारी पड़ी हैं, तो कोशिश तो करेंगे लोग, लेकिन मेरे को डाउट है कि भाई 1-2 महीने के अंदर अंदर वो इतना कर पाएंगे कि ये देखिए अभी तो ये सारी बिल्डिंग्स बन रही है, ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सामने ये अस्पताल है जो कि हिसाब से पुराना चलता हुआ होना चाहिए था। जो ओल्ड NMC का रूल था कि भाई कम से कम 3 साल पुराना चलता अस्पताल होना चाहिए अगर आप मेडिकल कॉलेज की परमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर तो अभी इमरजेंसी के भी वार्ड ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बन रहे हैं, और OPD का ब्लॉक सामने आ गया। ठीक है ड्राइवर भैया, आप आगे जाइए, उल्टा ले चलो बस, हाँ यही चलो, जहाँ जगह मिले। तो देखिए ये अस्पताल है जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वहाँ 2 गार्ड भैया बैठे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर लिया। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊँ तो सिचुएशन अभी इस कॉलेज में, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आएगा उसको तो लर्निंग में दिक्कत ही होनी चाहिए, फैकल्टी एक्सेट्रा ये लोग कर पाते हैं, जो मैं आपको हमेशा मौलाना की तारीफ करता हूँ कि बिकॉज बड़ा ग्रुप है, RKDF इज़ अ वेरी ओल्ड पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल ग्रुप, तो एटलीस्ट वो अपनी तरफ से फैकल्टीज वगैरह को भेजने में अरेंज करने में कंजूसी नहीं करेंगे, वही बेनिफिट जो हमें साधुपुर में मिल रहा है। नहीं तो नया कॉलेज हो, अस्पताल ना चल रहा हो, तो मैं आपको कई बार समझा चुका कि कॉलेज की फ़ीस से तो गुजारा होना बहुत मुश्किल है किसी भी कॉलेज का, और जब गुजारा नहीं होता है तो फिर वो फैकल्टीज को खाली कागजों पे रखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पिक्चर में आती हैं जब बजट नहीं होता। ओके, तो ये आप देख रहे हैं जो आने वाला है श्योर में, और जब आप बाहर निकलेंगे तो मैं आपको और इसका अच्छा रास्ता दिखाता हूँ। जब हम भोपाल से चले थे इंदौर रोड पर तो कट गया था रास्ता बीच में, और फिर हम 6-7 किलोमीटर अंदर आए, तो डेफिनेटली ये भोपाल या इंदौर या देवास के पेशेंट तो यहाँ नहीं आएंगे, ये बिल्कुल आसपास के गांव देहात के लोगों के लिए ही अस्पताल चलेगा, और उसी हिसाब से यहाँ पर लोग आएंगे और उसी हिसाब से ही बाकी कार्यक्रम होगा। श्योर शहर यहाँ से कितना दूर पड़ता है, जो प्रॉपर श्योर शहर होगा 3 से 4 किलोमीटर भी और है, तो उस शहर में के मरीज होंगे वो यहाँ पर आ सकते हैं अगर उन्होंने अच्छा मेडिकल अस्पताल बना दिया। श्योर में वैसे कोई मशहूर अस्पताल है क्या ऑलरेडी? है नहीं, तो बस उन्हीं के पेशेंट्स के लिए हेल्प होगी।
भोपाल के रहने वालों को तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेन तो ये श्योर शहर के लोगों का ही काम रहेगा। अब हम उस रोड से जा रहे हैं जिस रोड से हम अंदर आए थे, क्योंकि जो मेन गेट था वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक्चुअली अच्छी एंट्री थी बट वो अभी बंद कर रखी है। जगह की कोई कमी है ही नहीं लोगों के पास, और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर BSC एग्रीकल्चर भी जो पढ़ाते हैं उसको वैसे बहुत जगह चाहिए होती है, तो वही सब आप देख रहे हैं। और यही जो मैं आपको कहता हूँ कि आपको अच्छा कॉलेज में जाना चाहिए, सोच समझ के जाना चाहिए, देखभाल करके जाना चाहिए, वो इन्हीं कैंपस को देख के कहता हूँ कि देखिए यू नो RKDF ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन हाँ जी इस कॉलेज में तो फिलहाल मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस साल में आने के लिए। और जिसको आना भी हो प्लीज़ खुद ही चक्कर काट के एक बार डबल चेक कर लेना। और पर्पज़ जैसा मैंने कहा मेरा यही रहता है विजिट्स करने का, कि मैं आपको वो बता सकूँ जो आप सारे खुद नहीं आ पा रहे ना, क्योंकि सारे खुद आओगे तो बहुत समय लगेगा। तो पर्पज़ मेरा यही रहता है कि आपको मैं वो बता दूँ ताकि आपका समय बचे, और आप में से सभी लोग अगर भोपाल उठ के नहीं आ सकते तो भी आपका काम हो जाए। अब ये देखिए टूटी फूटी सड़क और मेन गेट से हम बाहर आ गए, ये समय सोचिए कॉलेज अस्पताल की एंट्री है। अब इस रोड से कोई अगर एम्बुलेंस आ भी जाएगी तो पता नहीं कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत 2-3 महीने में काम करने की ज़रूरत है, वरना ये 2024 में मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेज लॉन्च होगा। और फिर से मैं हैरान हूँ उन एजेंट्स पे जो कि तनातन आप लोगों को व्हाट्सएप SMS भेज रहे हैं और आपको किस कॉलेज में सीट दिलाने की बात कर रहे हैं और उस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत काम होना बाकी है इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और वही बात है, एक बार जब ये रोड वगैरह बन जाएगी, थोड़ा ये प्रचार किया जाएगा, तभी यहाँ पर हॉस्पिटल में भी लोग आएंगे। देखिए ये वो सड़क है जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो हमने भोपाल इंदौर टाउन क्रॉस करके हम अंदर घुस गए थे। तो ये सिंगल रोड है जिसे कहते हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है और इसी रोड के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो गूगल मैप तो आराम से पकड़ ही लेता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपने देख ही ली। ओके, सो ये है श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज जो आने वाला है, जो कि बड़े ग्रुप का पार्ट है। बस यही फिलहाल है, इसलिए पॉजिटिव और अच्छी बात है, बाकी फिलहाल तो मुझे जमा नहीं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, नमस्कार। और हमसे संपर्क करना चाहें तो आप जानते ही हैं 9633-623-20 पे कॉल कीजिए।